गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेलीप्राइम की इस क्लास में आज हम जानेंगे स्टार ग्रुप क्या है और उन्हें टेलीप्राइम में हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेलीप्राइम में स्टॉक यूनिट या स्टॉक आइटम, इन्हें हम कैसे क्रिएट करें, इन्हें टेलीप्राइम में क्या यूज है, तो हम आपको बता दें कि स्टॉक ग्रुप से आशय एक जैसे ही कैटेगरी की वस्तुओं को एक ही जगह ग्रुप में रखना होता है। जैसे कंप्यूटर की दुकान में एचपी के सारे मॉडल हम एचपी ग्रुप में और लेनोवो कंपनी के सारे मॉडल हम लेनोवो ग्रुप में मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप से हम ये भी जान पाएंगे कि हमने कौन सा माल खरीदा, कौन सा माल बेचा, माल की क्वांटिटी कितनी है, हमारे माल पास माल स्टॉक में कितना है, तो ये सारे चीज हम स्टॉक बना करके मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम क्या होगा, तो हमारा बिजनेस जिस भी किसी का हो, मान लीजिए हमारा एक लैपटॉप का शोरूम है, तो हम वहां पे लैपटॉप के अलग अलग मॉडल अलग अलग ब्रांड सेल करते हैं, तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि सारे माल का डिटेल हमें अलग वाइज शो हो, सारा स्टॉक हमारा ग्रुप वाइज शो हो, तो हम अलग अलग लैपटॉप के ग्रुप बनाकर इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में आपको बताएं कि कैसे आप टेलीप्राइम में आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यूनिट से हम आपको बता दें कि टैली में जब हम माल को सेल करते हैं तो माल को या तो पीस, बॉक्स या केजी में हम सेल करते हैं, तो हमको माल को जिस भी यूनिट या जिस भी मेजर में सेल करना होगा उस यूनिट को क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप, तो सबसे पहले तो चलिए हम आपको बताएं कि कैसे आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन पे जाएं। इसके बाद आपको इन्वेंटरी सेक्शन के अंदर आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस पे इंटरप्रेस करें तो हमारे सामने इस साइड में ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है। तो यहां पर हम एक लैपटॉप का ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसके अगर आप एलआईएस नेम यानी सह नाम कुछ देना है तो दीजिए, नहीं तो इसको इग्नोर करें। इसके बाद अंडर प्राइमरी रखें, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यानी अगर इसे यस, इसका तात्पर्य यह होता है कि आप इस ग्रुप में बनाए गए सभी स्टॉक के जोड़ को अगर आपको एक साथ देखना है तो इसे यस करें। तो हम इसे यहां पे यस करेंगे और इसे हम अब इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अगला बनाएंगे ग्रुप डीई डेल और यहां पर इसे रखेंगे हम अपने सब कैटेगरी लैपटॉप में। और यहां पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन इस बार पहले से यस है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने लैपटॉप ग्रुप बनाते वक्त इसे यस कर दिया था, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहां पे मैंने अगला ग्रुप है बनाएंगे एचपी और एचपी को हम सब ग्रुप लैपटॉप में डालेंगे। तो इस तरह हम एक से ज्यादा ग्रुप और सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्केप करते हैं। इसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम यूनिट को क्रिएट करेंगे। तो यूनिट में हम उस यूनिट को बनाएंगे जिसमें हम अपने लैपटॉप और अन्य प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर हमारा बिजनेस किराना का है तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है केजी और ग्राम की, तो हम वहां पे क्रिएट करेंगे। तो अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपने यूनिट को क्रिएट करेंगे। तो हमारा इसमें रिक्वायरमेंट है पीस, तो यहां पर हम आपको एक बात और बता दें, हमें दो तरह की यूनिट क्रिएट करने को मिलता है, एक सिंपल और कंपाउंड। अभी हम कंपाउंड सिंपल यूनिट को ही सीखेंगे। अगले आने वाले क्लास में हम कंपाउंड यूनिट पे एक अलग से क्लास लेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम सिंपल यूनिट पे पीसीएस पीस बनाएंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस
तो पीस के लिए हम डेसिमल प्लस को 0 रखेंगे। अगर आपका बिजनेस तो किराने का है और वहां पे आप केजी का सेल करना है तो वहां पे आपको किलो के साथ अगर आपको ग्राम लगाना होता है, जैसे 1 किलो 500 ग्राम, तो वहां पीसेज आप 2 डेसिमल प्लस 2 करें, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे 0। और इसके बाद इसे हम करेंगे 0 करके एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मेरा 1 यूनिट बन चुका है। और तो लैपटॉप हमें पीस में हिस्से सेल करना है, तो इस तरह पीस, बॉक्स, केजी, मीटर, लीटर हम यूनिट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे। इसके बाद हम अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। आइटम के लिए हम स्टॉक आइटम के पर आएंगे और इंटर को प्रेस करते हुए यहां पर हमने लैपटॉप डाला, डेल लैपटॉप। और डेल लैपटॉप और इसकी यूनिट मैंने सेट कर दिया है पीस। और यहां पर क्वांटिटी, अगर लैपटॉप पहले से है तो यहां पर उसकी क्वांटिटी दे देंगे, और अगर आप लैपटॉप परचेज करेंगे तो यहां पर हम कुछ नहीं डालना है और यहां पे एक्सेप्ट कर लिया। अगला हमारा जो लैपटॉप देना है वो है एचपी, और इसके आप मॉडल भी दे सकते हैं। और यहां पर इसे हम रखेंगे एचपी में और इसकी पीस को सेट करेंगे पीस। तो यहां पे हमने एचपी लैपटॉप अंडर एचपी और पीस। इसके बाद यहां भी हम क्वांटिटी नहीं देंगे। और इसके बाद इस तरह जितने भी प्रोडक्ट हमें खरीदना और सेल करना है, परचेज और सेल करना है, वो हम यहां पे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारे स्टॉक आइटम, यूनिट और ग्रुप को तैयार कर लिया। अब हम आपको इस ग्रुप को देखना है, तो देखने के लिए हम अल्टर का यूज करेंगे और यहाँ स्टॉक ग्रुप में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। और यूनिट को देखना है तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर यूनिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1 यूनिट शो कर रहा है। इसके बाद बैक करते हैं। इसके बाद हम अपने आइटम को चेक करना है, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम पे इंटर प्रेस करें, तो यहाँ पे जो मैंने आइटम बनाया है वो शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम एक साथ कई स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहें तो मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने के लिए आप यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में इंटर प्रेस करें। इसके बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टी मास्टर, इस पे इसे चुनें और मल्टी क्रिएट पर आपको इंटर प्रेस करें। तो यहां पर अंडर ग्रुप और नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको सारे प्रोडक्ट को अपने हिसाब से ग्रुप में डालना है तो ऑल आइटम चुनें। अगर किसी विशेष ग्रुप में डालना है, जैसे हम अभी जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो आइटम बनाने वाले हैं, वो डेल ग्रुप में डालें, तो यहाँ पे हमने डेल ग्रुप को सेलेक्ट किया, तो जो आइटम हम क्रिएट करेंगे वो डेल ग्रुप में जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर DEL डेल INSPIRON 15 और ये प्रोडक्ट मैंने पीस में सेल करना है। देखिए अपने आप यहाँ पे डेल जो ग्रुप है अपने आप डेल आ जा रहा है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पे स्किप करें। इसके बाद अगला प्रोडक्ट डेल INS 15 i3 4 GB। इसके बाद पीस डेल वस्ट्रो। तो यहां पे आप देख रहे हैं सारा जो प्रोडक्ट है हमारा डेल ग्रुप के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक जा रहा है। तो इस तरह हम अगर हम कोई दूसरा ग्रुप यहां पे अगर एचपी का लैपटॉप क्रिएट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे डेल ही ग्रुप ले रहा है। तो आप यहां पर अगर ऑल आइटम चुने तो यहां पर आप अपने हिसाब से ग्रुप को दे पाएंगे। और अगर आप
तो इस तरह हम अगर आप ऑल आइटम चुनेंगे तो अपने साथ ग्रुप को दे पाएंगे। और यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट को आपने दे दिया है तो सारा प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कोई ग्रुप दे दिया है तो सारा स्टॉक आइटम इसी ग्रुप में स्वतः ही जाएगा। तो इस तरह इसे हम इंटरप्रेस करते हैं। और एक बार फिर से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट मल्टीपल क्रिएट करना दिखा देते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे मल्टी मास्टर पेज क्लिक करेंगे और यहाँ पर मल्टी क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहां पर अगर हम ऑल आइटम देते हैं, अब देखें तो एसपी एक्विप्लेरियम 15 सीरीज। अब देखिए यहां पर हमसे ग्रुप अंदर ग्रुप पूछ रहा है, तो यहां पे हम अपने हिसाब से इसे ग्रुप चयन कर सकते हैं। तो ऑल आइटम जब हम चयन करेंगे तो ग्रुप का भी चयन हम स्वतः कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी आइटम में मल्टीपल आइटम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा जो स्टॉक आइटम है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारे हमारे जो हैं डेल डेल के लैपटॉप हैं, ये सारे हमारे एचपी के लैपटॉप हैं। इसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट से भी देख पाएंगे और इसे हम बाहर गेटवे ऑफ टैली, इसे हम गेटवे ऑफ टैली से भी देख पाएंगे। तो यहां पर देखने के लिए हम अल्टर विकल्प का यूज करेंगे। तो यहां पर नीचे इन्वेंटरी सेक्शन में हम स्टॉक आइटम, तो इसे हम इन्वेंटरी सेक्शन में स्टॉक आइटम पे इंटर जब प्रेस करेंगे तो हमें सारे स्टॉक आइटम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक आइटम जब भी हम चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम को डिलीट करके आपको दिखाएं। तो डिलीट करने के लिए हम अल्टर विकल्प का यूज करेंगे और यहां पर स्टॉक आइटम को हम आपको डिलीट करके दिखा रहे हैं। तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करें और यहां पर हमने एचपी प्लेनियम, इसे अगर हमें डिलीट करना है तो हम इसे हमें अगर डिलीट करना है इसे हम ओपन करेंगे और अल्टर बटन, अल्टर के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे और वाई को प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए हम अल्टर डी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाहर निकलने के लिए स्केप का प्रयोग करते हैं और किसी भी ग्रुप या लेजर या अकाउंट में जाने के लिए हम इंटर प्रेस करते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन का यूज हम लेजर क्रिएट करने के लिए या स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए बन कर सकते हैं। और किसी में भी अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर विकल्प का प्रयोग करते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रयोग हम सारे लेजर को देखने या मल्टी मास्टर का यूज करके हम मल्टीपल लेजर या मल्टीपल यूनिट या मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए करते हैं। चलिए हम आपको एक जनरल एंट्री करके दिखाएं। तो जनरल एंट्री के लिए हमें सबसे पहले लेजर की आवश्यकता होगी। तो हम फिर से इस कंपनी में अल्टर द्वारा देखें तो दो लेजर पहले से बना होगा। तो यहां पर हमारा कैश कैपिटल बैंक ओडी और ये चार लेजर शो कर रहे हैं जिनमें दो लेजर पहले से बने होते हैं। ये दो लेजर मैंने बनाया हुआ है। तो यहां ऊपर क्रिएट दे रहा है और यहीं से मैं परचेज, तो PURCHASE परचेज अकाउंट, और इसे हमें चुनना होता है ग्रुप में। तो ग्रुप का वीडियो जिन जिन्होंने नहीं देखा है कि कौन सा लेजर हम किस ग्रुप में डालते हैं, तो वो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप देखें कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में हमें तय करना होता है। तो इसे हम डालेंगे परचेज में। तो परचेज को मैंने परचेज अकाउंट में डाला। इसके बाद इंटर को प्रेस करते हुए, और आप इसे कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, और यहाँ नीचे की तरफ एक्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तो एजुकेशनल वर्जन में ये आपको एक्सेप्ट नहीं दिखाई देता है। तो आप इंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल ए करते हुए इस लेजर को एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद अगर आपको सेल करना है तो सेल का भी लेजर बना लें। तो अभी हम परचेज करने वाले हैं। अब यहां पर अब हमें
किस लेजर को किस बाउचर में पास है, तो चलिए बाउचर खोलते हैं। और हमें परचेज करना है तो हम परचेज बाउचर को चुनेंगे, तो परचेज बाउचर जो है F9 प्रेस करके आप दबा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने F9 या परचेज पे क्लिक किया तो ये हमारा बाउचर है इस समय परचेज। और यहाँ पे जो परचेज आप करेंगे, जो बिल मिलेगा तो उस पर परचेज इनवॉइस नंबर होगा, उसको आप डाल दीजिएगा। इसके बाद डेट डाल दीजिएगा। तो चलिए आज का मैंने डेट डाल दिया, आज का डेट है 11। तो डेट को चेंज करने के लिए हम F2 को प्रेस करते हैं और यहाँ पर 11 जून 2022 इंटर को मैंने प्रेस किया। और इसके बाद यहाँ पर हम नगद खरीदने वाले हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। इसके बाद इन सब विकल्प को हम स्किप करते हुए यहाँ पर कैश कैश, इसके बाद परचेज। अब यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर हम जो चीज परचेज करने वाले हैं उसको यहाँ पे हमें देना होगा, क्वांटिटी और रेट। इसके बाद और भी प्रोडक्ट एक साथ परचेज करना है उसे भी हम दे सकते हैं। दोनों का जोड़ देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है। और इसके बाद इंटर प्रेस करते हुए यहां पर अभी हम जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि जीएसटी मैंने मेंटेन ही नहीं किया है, तो यहां पर हमने इसे सेल कर दिया। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है और प्रोडक्ट भी हमारे स्टॉक मेंटेन हो रहे हैं। अगर ऐसे तुरंत आपको फिर से स्क्रीन पे लाना है तो आप पेजअप बटन को क्लिक करें तो स्क्रीन ये वाली एंट्री तुरंत आ जाएगी। और इसे अगर आप मोड को चेंज करते हैं तो यहां पे देखिएगा चेंज मोड दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे चेंज मोड करेंगे और इसे एज ए बाउचर करेंगे तो ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर किसी को बिल चाहिए तो हमें यहां पर चेंज मोड और यहां पे इनवॉइस मोड में करना होगा और यही बिल प्रिंटिंग होता है। और लोग कहते हैं कि टैली में हम कैसे बिल निकालें, तो इनवॉइस मोड से ही हम बिल निकालते हैं। तो इस तरह हमने परचेज की एंट्री करी। और इसके बाद हम अपनी एंट्री को अगर चेक करना है तो डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले यानी कि यहां पर जाएंगे और डे बुक, तो यहां पर डेट वाइज एंट्री को हम चेक कर सकते हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं 11 जून शो कर रहा है। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे आप डेट चेंज करेंगे तो आपको अल्टर U2 का प्रयोग करके जितने भी डेट की एंट्री देखना है, जैसे मान लीजिए आपको एक महीने की एंट्री देखना है 1 जून की, तो 1 जून से 31 या 1 जून से 30 जून तक देखना है तो ऊपर 1 जून और नीचे 30 जून करेंगे और वो पूरा एंट्री आपका डिस्प्ले होगा। तो इस तरह हम एंट्री को देख सकते हैं। हाँ, अगर एंट्री डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, मोडिफाई भी कर सकते हैं और अल्टर डे से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। और नीचे भी यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। और एजुकेशनल वर्जन में इस तरह के ऑप्शन नहीं शो होते हैं। इसके बाद हम स्कैप से बाहर निकल सकते हैं। और चलिए हम आपको स्टॉक चेक करके दिखाएं। तो स्टॉक चेक करने के लिए हम स्टॉक समरी में जाएंगे और यहां पर हम देख रहे हैं लैपटॉप। अब लैपटॉप में कौन सा लैपटॉप हमारे पास है तो उसे देखने के लिए हम यहां पर देख रहे हैं डेल का एक लैपटॉप है और HP का ये लैपटॉप है। ग्रुप बनाने का यही उद्देश्य होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट, जैसे अभी यहां पर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो अलग अलग कंप्यूटर है, कंप्यूटर एसेसरीज है, सारे ग्रुप तैयार करके हम स्टॉक आइटम को मैनेज करेंगे। तो जैसे यहां पर मैंने स्टॉक समरी और देखिए यहां पर लैपटॉप है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो डेल के लैपटॉप है। अब डेल का लैपटॉप कैसे आया तो ये सारा मॉडल यहां पे हमें दिखाई दे रहा है और ये कैसे आया, कितना पीस है, कितना बिका है, तो यहां पे सारा डिटेल हमें शो हो रहा है। तो इस तरह हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट तैयार करके टैली में उसे मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सारे स्टॉक को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आज की क्लास में हमने स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना और यूनिट बनाना आपको सिखाया। तो धन्यवाद।